हेलो एवरीवन बच्चे, आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल का पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स को डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट। आप लोग देखेंगे इसमें जैसे न्यूक्लिक एसिड का कुछ इन्फॉर्मेशन जो 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ में कंप्लीट किया गया है। फर्स्ट देखिए, इन 1869 फ्रेडरिच मिस्चर डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया। आफ्टर ऑल ही फाउंड इट इन अ सेलुलर सबस्टांस, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, राइट। पस सेल से जो है एक सेलुलर सबस्टांस, एक न्यूक्लियाई को निकाला गया था। ही नेम्ड इट न्यूक्लियन, क्या बोलते थे उसको, पस सेल में जो एक सेलुलर सबस्टांस मिला था फ्रेडरिच मिस्चर को, तो उसको क्या नेम दिया गया था, न्यूक्लियन, राइट। न्यूक्लियन शोड एसिडिक प्रॉपर्टीज़, जो न्यूक्लियन था वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता था, बेसिक ना करके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो करता था। हेंस इट गॉट नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं। डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, किस सेल से किया था, उसको क्या बोलते थे, और फिर इसका नेचर कैसा था, एसिडिक प्रॉपर्टी थी या बेसिक प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चे डेफिनेशन न्यूक्लिक एसिड की। अब इसके बाद आप लोग देखोगे, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लॉन्ग पॉलीमर बोल सकते हैं, लॉन्ग पॉलीमर चेन बोल सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, विच इज़ अ वन काइंड ऑफ शुगर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जितने न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ते जाएंगे वो डीएनए की लेंथ को डिपेंड करेगी कि कितने न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से बना हुआ था, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या होते हैं वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। बैक्टीरियोफाज साई इंटू 174, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं बैक्टीरियोफाज में, ये याद रखना है। अच्छा, इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसका क्या बेस पेयर होता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, है ना। तो उसके डीएनए की लेंथ दी गई है। अच्छा, लेमडा फाज जो होता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 48502। और ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड में कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ये डेटा थोड़ा सा आपने याद रखना है, इसी पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डेटा याद रखना होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट हैं, नंबर ऑफ 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है बच्चे। अब कौन कौन से 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है पेंटोज शुगर विच रिप्रेजेंट इन एस, पेंटोज ग्रुप विच रिप्रेजेंट विद पी, एंड नाइट्रोजीनियस बेस रिप्रेजेंट विद कैपिटल एन, ठीक है बच्चे। अब आपको पता है कि जो पेंटोज शुगर है वो 2 टाइप में होती है, जैसे हमारे पास डीएनए और आरएनए है, ये क्या है, ये शुगर है। एक होती है हमारे पास जो डीएनए बनाती है डीऑक्सीराइबोज, और जिस शुगर से आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं राइबोज। अब बच्चे इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला C5H10O4 और राइबोज शुगर का फॉर्मूला C5H10O5। तो इसका मतलब हमने देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, राइट बच्चे। अब हमने देखना है कि एक ऑक्सीजन कम है, मतलब एक ऑक्सीजन कम है किसमें, राइबोज शुगर में, तो ये कौन से कार्बन नंबर पे नहीं है, जैसे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें भी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कार्बन तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है बच्चे। तो अब हमने देखना है कि किस कार्बन पे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, पहले क्वेश्चन पूछा गया है कौन से कार्बन पे एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है राइबोज में विद रिस्पेक्ट टू डीऑक्सीराइबोज। तो आप लोग इसमें देखेंगे बच्चे, जैसे कार्बन नंबर 1 पे
हमारा OH और H बिल्कुल सेम है, OH और H। कार्बन नंबर टू पे H ऊपर है और H ही नीचे है, तो मतलब कार्बन नंबर टू पे एक ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब पे सेम होगा। थर्ड पे भी देख लो, फोर्थ पे भी देख लो और फिफ्थ पे भी देख लो। तो कार्बन नंबर टू पे जो एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है वो राइबोज शुगर कहलाता है, और कार्बन नंबर देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राइबोज में कितने ऑक्सीजन, कितने राइबोज में 5 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है राइबोज में 5, और इसमें कितने 4, बाकी सब में सेम है। तो इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे करके रखो, इसका मतलब एक ऑक्सीजन कम है किस में, राइबोज में। तो कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर टू पे एक ऑक्सीजन कम है, सिंपल। डीऑक्सी मतलब डिडक्शन, डीऑक्सी एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सी राइबोज तभी इसको बोलते हैं। राइबोज में कितने हैं, O5 हैं और इसमें O4 हैं आपके डीऑक्सी राइबोज। ठीक है बच्चे, ये स्ट्रक्चर सबको ही समझ में आ गया होगा। अब पेंटोज ग्रुप जो होता है, पेंटोज ग्रुप में मतलब बीच में फॉस्फेट ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो मतलब इन्वॉल्व इन द स्ट्रैंड फॉर्मेशन। OH किस में इन्वॉल्व होता है, किस में इन्वॉल्व हो रहा, स्ट्रैंड फॉर्मेशंस में, DNA के स्ट्रैंड बनाने में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखिए H3PO4 जो होता है ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, तभी इसको हम फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, 3 एक्टिव OH ग्रुप होते हैं और एक जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ होता है, ये ध्यान रखना आपने। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ज्वाइन करवाता है, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ। अब देखो जैसे नाइट्रोजीनियस बेस है तो इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस में आपको पता है एडिनिन, गुआनिन, ये क्या है प्यूरीन, और थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये क्या है पाइरिमिडिन। तो बच्चे आपको ये स्ट्रक्चर तो याद होने ही चाहिए, बट चारगफ रूल भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं प्यूरीन, प्यूरीन इज इक्वलेंट टू पाइरिमिडिन, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये पाइरिमिडिन, प्यूरीन इज इक्वलेंट टू पाइरिमिडिन। तो मतलब प्यूरीन में क्या होता है, प्यूरीन में आएंगे हमारे ए और जी, मतलब एडिनिन, एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, एडिनिन किसके बराबर होगा, थायमिन के, थायमिन, ठीक है बच्चे, और गुआनिन किसके बराबर होगा, साइटोसिन के, साइटोसिन के, ठीक है बच्चे, और थायमिन की जगह यूरेसिल होता है डीएनए के केस में। ठीक है, तो आप लोग इसकी जगह मतलब क्या होगा, यूरेसिल होगा डीएनए के केस में, और आरएनए के केस में थायमिन देगा। तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा और एडिनिन और थायमिन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होगा। तो आपको मैं बता दूं बच्चे, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, जितना एडिनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। तो इनके स्ट्रक्चर भी आपने याद रखने नाइट्रोजीनियस बेसिस के। ठीक है, तो क्या क्या नाम है, कौन सा प्यूरीन है, कौन सा पाइरिमिडिन है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक पे पॉलीपेप्टाइड चेन देखें, ठीक है, डिटेल में उनके बॉन्ड देखें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ काम करता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहाँ पे काम करता है, न्यूक्लियोसाइड कब बनता है, न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, एक बार आप लोग अपनी नोटबुक ओपन करें और बहुत अच्छे से सभी बच्चे इनको रिवाइज करें। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करें। अब हम लोग देखते हैं बच्चे एंजाइम्स, एंजाइम क्या होते हैं। देखिए बच्चे, जैसे एंजाइम्स क्या होता है आपको पता है, विदाउट एंजाइम ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल वुड रन डेड स्लोली, है ना, सो योर बॉडी वुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली, बट एंजाइम वॉन्ट मेक इफ दे डोंट हैव द राइट कंडीशंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो उनको, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उनको इन्हांस करने के लिए हमारा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है बच्चे, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा डाइजेशन लेट होता है, अगर एंजाइम प्रॉपर होंगे बॉडी के अंदर तो वो हमारे डाइजेशन को फास्ट कर देगा। ठीक है, दैट इज़ एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स,
एंजाइम जो होता है ये एक प्रोटीन नेचर है, और कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होता है। लिविंग थिंग्स हैव थाउजेंड ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, जो भी लिविंग कहलाएगा उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होंगी, जो कितनी होंगी, थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन साइड दैम ऑल द टाइम्स। ठीक है, दीज रिएक्शन नीड टू केयरफुली कंट्रोल्ड, ठीक है, टू गेट द राइट अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपको राइट टाइम पे अमाउंट को बॉडी के अंदर देना पड़ेगा। सो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एंजाइम, जैसे भूख लगती है टाइम से खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो बॉडी जो होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। अब बोल रहा है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, ये डेफिनेशन है इसकी एंजाइम्स की। फोर्थ प्रॉपर्टी है द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स आर फाउंड इन अ सेल्स जीन्स, ठीक है, तो ये पेज नंबर तो अभी आप मेंशन नहीं करेंगे कहीं पे भी, ठीक है। तो जितने भी जीन्स बॉडी में होते हैं उनका प्रोटीनिशियस नेचर होता है, हैव अ लुक, ठीक। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, हम लोग कल भी बात कर रहे थे, एंजाइम जो होते हैं ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के लिए यूजुअली इन्वॉल्व थिंग्स ईदर बीइंग स्प्लिट अपार्ट आर जॉइन टुगेदर, ठीक है। एंजाइम का दो काम होते हैं, या तो ये स्प्लिटिंग करेंगे, है ना, पार्ट को जॉइन करेंगे, ठीक है। अब देखो अ सबस्ट्रेट इज अ मॉलिक्यूल दैट इज चेंज्ड इन अ रिएक्शन, अ सबस्ट्रेट इज अ मॉलिक्यूल दैट इज चेंज इन अ रिएक्शन। एवरी एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैज एन एक्टिव साइड, हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है। देखो जैसे ये एंजाइम आ गया बच्चे, ठीक है, और इसके पास ये क्या है, एक्टिव साइट है, ये जो है ये क्या इसकी एक्टिव साइट है, वेयर द सबस्ट्रेट्स गेट बाइंड, ठीक है। अब देखो द पार्ट वेयर द सबस्ट्रेट जॉइंस ऑन द टू द एंजाइम्स, एंजाइम्स आर रियली पिकी, दे यूजुअली ओनली स्पीड अप वन रिएक्शंस, दिस इज बिकॉज फॉर एन एंजाइम्स टू वर्क एंड सबस्ट्रेट हैज़ टू बी करेक्ट शेप टू फिट इन टू द एक्टिव साइट। क्या होता है बच्चे कि एंजाइम की जो एक एक्टिव साइट होती है, ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इंड्यूस फिट मैकेनिज्म वाली थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है एक्चुअल में वो सबस्ट्रेट की शेप की नहीं होती है, बट उसकी एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट का जैसा बनना पड़ता है, उसको इंड्यूस फिट मैकेनिज्म्स कहते हैं। यहाँ पर भी वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया है कि दिस इज बिकॉज फॉर द एंजाइम टू वर्क अ सबस्ट्रेट हैज़ टू बी करेक्ट शेप टू फिट इन टू द एक्टिव साइट, ठीक है। एंजाइम की शेप को करेक्ट कर देता है कौन, सबस्ट्रेट, और फिट हो जाता है सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे। दिस इज कॉल्ड द लॉक एंड की हाइपो मॉडल्स बिकॉज द सबस्ट्रेट्स फिट इन टू द एंजाइम जस्ट लाइक अ की फिट इन टू अ लॉक, दैट इज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब इसमें देखो बच्चे जैसे ये बता रहा है, ये आप देखोगे तो इसमें ये यही चीज़ बता रहा है बेटा, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट जो चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स आगे जाके क्या होगा, जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्या है, प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होके, जो सबस्ट्रेट था वो ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट बना गया, और एंजाइम जो है वो अनचेंज आफ्टर रिएक्शन, और एंजाइम जो है वो खाली कर देता अपने आप को, एटलीस्ट उसके साथ दोबारा एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करे और दोबारा से प्रोडक्ट बना पाए। तो हमारा सिंपल था, हमने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम, और जितना प्रोडक्ट बनता जाएगा इसका मतलब हमारा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है बच्चे। अब बोलते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, एंजाइम नीड द राइट टेम्परेचर एंड पीएच। हमने कल भी बात की थी बच्चे कि मानो जैसे टेम्परेचर और पीएच पे काफ़ी निर्भर करता है हमारा एंजाइम, तो ये जैसे पीएच है यहाँ पर देखो, ठीक है, इस पीएच मानो जैसे 6.8 पीएच है, ये स्लेवरी माइलेज का पीएच है। तो अब हमें पता है कि जो स्लेवरी माइलेज है वो 6.8 पे ही अपना ऑप्टिमम गुड दे पाता है ना,
तो 6.8 से आप अगर आप 6.9 करोगे तो इसकी एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी, अगर 6.7 कर दोगे तो इसकी एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो मतलब रेट ऑफ़ रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए आपको उसका ऑप्टिमम पीएच देना है एंजाइम को, और वो फिर अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर पाता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर और पीएच जो है वो एंजाइम का बड़ा ही स्पेसिफिक फैक्टर है उसकी एक्टिविटी के लिए। ये देखो जैसे हमारा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बोल रहा ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम बढ़ाएंगे तो फीवर हो जाएगा, अगर कम करेंगे तो फंक्शनल एक्टिविटीज़ इनएक्टिव हो जाएंगी। तो ऑप्टिमम के लिए 37 डिग्री हमें बॉडी को टेम्परेचर देना है एटलीस्ट, तभी हमारे एंजाइम जो होंगे वो प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर होते हैं, तो वो डिनेचर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसान की डेथ हो सकती है। देखिए, एंजाइम नीड टू बी आ स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट टू वर्क देयर ऑप्टिमम व्हेन दे आर मोस्ट एक्टिव। ठीक है, जब उसको आप स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच दे रहे हो तो वो मोस्ट एक्टिव होगा और अपना ऑप्टिमम वर्क करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, चेंज द टेम्परेचर चेंज द रेट ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वैसे वैसे उसकी एक्टिविटी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, ए हायर टेम्परेचर इंक्रीज द रेट एट फास्ट। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट फास्ट होगा, बट रिजल्ट उसका कुछ और हो सकता है। बात समझ रहे हो? देन बट इफ गेट टू हॉट सम ऑफ द बॉन्ड होल्डिंग द एंजाइम टूगेदर ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे जब आप टेम्परेचर ज़्यादा दे दोगे। टू हॉट हो गया, दिस चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट्स एंड सो द सबस्ट्रेट्स विल नो लॉन्गर फिट। सबस्ट्रेट उसके साथ अगर फिट ही नहीं हो पाएगा तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो इंसान की डेथ हो जाएगी ना। एंड द एंजाइम वॉन्ट वर्क एनी मोर, और एंजाइम जो होगा वो ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएगा। इट्स सेड टू बी अ डीनेचर्ड, तो हमारा जो प्रोटीन होगा वो डिनेचर हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट में देखो, जैसे बोल रहा है कि ऑल एंजाइम ऑल्सो हैव अ ऑप्टिमम पीएच दैट दे वर्क बेस्ट एट। ठीक है, इफ द पीएच इज टू हाई आर टू लो इट इंटरफेयर विद द बॉन्ड्स होल्डिंग अप द एंजाइम टुगेदर, दिस चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट्स एंड डिनेचर द एंजाइम्स। ठीक है बच्चे, पीएच इज मेजर ऑफ हाउ एसिडिक आर एल्कलाइन इन अ सॉल्यूशंस। तो आपको ये शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो होप सो कि आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी दोबारा रीड करें, एंजाइम के बाकी फैक्टर भी देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारा बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है, बस इसमें इतना ही हम देखेंगे, बट आप लोग एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट गो थ्रू कर लें और जो क्वेश्चन दिए हैं वो एटलीस्ट सॉल्व करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।